नमस्कार, मैं कुमारी शिखा। आज हम बात करने वाले हैं आपके कमेंट पे, आपके द्वारा पूछा गया कमेंट आज हम इस वीडियो में लेंगे और सबके बारे में जिन्होंने मुझे कमेंट किया है सबके आंसर मैं दूंगी इसमें। मैं देख रही थी कि बहुत टाइम से बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे और मेरे पास टाइम का बहुत कमी था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है। 2 साल कोरोना को लेकर के इतना प्रॉब्लम था कि सारे काम ज़्यादातर पेंडिंग होते गए थे। तो अब जो है कोरोना जब लगभग ऐसा लग रहा है कि चला गया है, फिर पता नहीं कब आएगा, तो वो थोड़े काम के जो हैं वो टेंशन ज़्यादा हो गए थे मुझे, तो इसीलिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी वीडियो के लिए और कमेंट के लिए। तो मैं चाह रही हूँ कि वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों के सामने ही मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट का जवाब दूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक पेरेंट्स हैं हमारे बंटी, जिनका नाम है। तो बंटी जी हमसे बहुत बार कमेंट किए हैं और मैंने उनके कमेंट का जवाब भी नहीं दिया था काफ़ी टाइम तक। तो बंटी जी ने मुझसे पूछा है कि एमपी में कहाँ है, एमपी का कोई ज़िला है? मुरैना। तो बंटी जी, शायद मैंने एमपी का जो है ज़िला का सारे एडॉप्शन एजेंसी का मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में मैंने कुछ स्टेट को लिया था, शायद एमपी का मैंने उसमें डाला है सारे ज़िले का, पर बस आप ही एक सहारा हैं। तो बंटी जी, मैं सहारा नहीं हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ आपको बताने का कि आपको बच्चा कैसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, ठीक है? तो मैं कारा का प्रोसेस बताती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो है वो सही जगह जाएं और सही जानकारी लें ताकि आपको लफड़े में पड़ने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे अभी भी एजेंसी ऐसे हैं जो प्राइवेट एजेंसी हैं और जो जिनका वो एक तरह से हम क्या कह लें, बिजनेस हो गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि आपको सही जगह पे पहुँचाओ। मैं ये नहीं कहती कि कारा से बच्चा लेना आसान है, बहुत मुश्किल है कारा से बच्चा लेना, और मैं ये भी नहीं कहती कि उसका जो तरीका है वो सही है। मैं कारा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एकमात्र लीगल तरीका है वो है कारा, और उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कारा में कैसे बच्चा को गोद लिया जाता है। तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और मैं, मेरे पास अगर ऐसा होता कि हमारे बस का होता कि मैं सबको बच्चे दे दूँ, तो मैं कभी भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रखती, सिर्फ पेरेंट्स को देखती और बच्चा को दे देती अगर ये हमारे बस में होता। लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं है, सब ये कारा कर रहे हैं, जो भी सरकार है वो है। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आई एम सो सॉरी। आप लोग, बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते कि आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ माध्यम हूँ आपको प्रोसेस बताने के लिए। मेरे पास बच्चे नहीं हैं जो मैं आपको दे दूँ, ठीक है? जो भी बच्चा को जो भी लेना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स, उनको कारा के माध्यम से ही आकर के बच्चा को गोद लेना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई ईजी रास्ता नहीं। और मैं कारा को क्या कहूँ, कारा ने जो प्रोसेस बनाया है, अगर मैं जान रही हूँ उस सीट को क्योंकि मैं उसमें काम करती हूँ या उसको उसके बारे में पूरी जानकारी है मुझे, तो मैं जानती हूँ कि कारा का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे को हित में रख के बनाया गया है। अब जाहिर सी बात है, बच्चे की एबिलिटी के अनुसार वेटिंग लिस्ट होता है, जैसे बच्चा अवेलेबल होगा वैसे पेरेंट्स जो लंबे कतार में रहते हैं उनको दिया जाता है। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, परेशानी तो हर चीज़ में है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान है, खेलना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं, आपसे मिलना है तो सॉरी, आप जो भी हैं तो मैं मिल नहीं सकती किसी से, क्योंकि ये मैं अपने इच्छा के अनुसार ये काम कर रही हूँ, इसे मैं दूसरा काम करती हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी जानकारी है, इसीलिए मैं जानकारी देने के लिए वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। बच्चे से कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, और ख़ास करके उन बच्चों से जो बच्चे एवेंडन हैं, सरेंडर हैं या अर्फन हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ कि वो एक अच्छे पेरेंट्स के पास जाएं, और वो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हैं और वो काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं, तो मैं उनकी भी मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और चाह रही हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिले। मेरा पर्सनल कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफिस खोल रखा है और बताने के मैं चार्जेस लेती हूँ या बच्चे दिलाने के, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, तो मैं बताती हूँ। इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, कोई इनकम नहीं है, फिर भी मैं अपना समय निकाल करके आप लोगों तक जानकारी पहुँचाती हूँ।
एक पेरेंट्स और हैं जिन्होंने पूछा है कि यदि हम दोनों रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और किसी कारण पति या पत्नी में से कोई एक मर जाता है या जिनका डेथ हो जाता है, उसे क्या बच्चा मिलेगा? तो बिल्कुल, आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जब करा रहे हैं उस टाइम आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है अगर है, और तब आपने रजिस्ट्रेशन कराया और मैरिज सर्टिफिकेट डाला है, उसके बाद दोनों में से अगर किन्हीं एक का डेथ हो जाता है तो उस टाइम आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से चला गया कोई एक, लेकिन हाँ इनकम देखा जाएगा, इनकम तो देखा जाएगा बिल्कुल कि अगर हस्बैंड चला गया तो वाइफ के पास उतना इनकम है कि नहीं कि वो बच्चे का पालन पोषण कर सके, या फिर वाइफ अगर चली गई है, वाइफ जॉब में है तो हस्बैंड का इनकम है कि नहीं ताकि वो बच्चे का पालन पोषण कर सके। और उस समय भी ये देखा जाएगा कि उन्होंने जो जेंडर डाला है, अगर मेल और फीमेल है, अगर मेल बच जाते हैं और वो फीमेल के लिए डाला है तो वहाँ पे शायद रिजेक्ट हो जाएंगे वो, क्योंकि मेल सिर्फ मेल को ही अडॉप्ट कर सकता है।